Tata, please, no camera, no camera. फाइनली भाई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो मेरा स्टार्ट हो गया। मैंने स्टार्ट से वीडियो बनाने का सोचा था बट मेरा फर्स्ट टाइम था तो प्रोसेस में मुझे टाइम थोड़ा सा लग रहा था चीज़ों को समझने में और चीज़ों को करने में। फिलहाल राइट नाउ आई एम एट एयरपोर्ट और इमिग्रेशन प्रोसेस हो चुका है और इमिग्रेशन के बाद जो है मेरा अब लास्ट प्रोसेस बचा, उसके बाद फिर ओके की रिपोर्ट है और सामने जहाज़ लगने वाला है। तो एयर सयाल का जहाज़ लगा हुआ है। तो ये जो जर्नी है मैं अभी स्टार्ट में ये करूँगा कि मैं एक ऐसी वीडियो भी क्रिएट करूँगा जिसमें पता लगेगा कि किस तरह से सारी चीज़ें ऑनबोर्ड करनी है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किस तरह से जॉब के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए या विज़िट के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो मैं सारे प्रोसेसेस करूँगा। क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं तो उसके अंदर मैंने देखा कि लोगों ने आधी आधी बातें बताई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से प्रोसेस करूँ। फर्दर मोर जो है ना अभी लास्ट प्रोसेस करने के बाद मैं वेटिंग जोन में जाके आगे की बातें करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रिप है, ये बहुत ही मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें एक एक करके। तो स्टे ट्यून विद मी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई टाइम से पहले पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा रहता है प्रोसेस, हर चीज़ बहुत इजीली हो गई। और वेटिंग रूम में बैठे हुए अभी तो खई टू शारजा, तो बस चिप्स वगैरह खा रहे हैं। तो ये बताने का रीज़न ये है कि सब चीज़ें इजीली हो रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी शारजा उतरेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही होगी कि शारजा उतरने के बाद जो चीज़ें हैं वो, बाकी प्रोसेस व्लॉग वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस से मुझे कितना टाइम लगा हर चीज़ में। अगर आप जाना चाहते हो किस तरह करना है, बहुत से लोगों ने व्लॉग्स बनाए हैं लेकिन देखें हर दौर का सिलसिला ये होता है कि 2021 2022 हर दौर में लोग भी चेंज, मामलात भी चेंज, लॉज भी चेंज, तो अपग्रेड रहना ज़रूरी है। जो प्रीवियस वीडियो प्रीवियस रह जाती है, नेक्स्ट एरा अब जो 2023 वाले हैं उनके लिए मेरी वीडियो बहुत करामत रहेगी। 2024 में कोई और बनाएगा, तो इस तरीके से सारे सिलसिले चलते हैं। तो कीप वॉचिंग और मैं जहाज़ में जाने के बाद मजीद जब जाने का सिलसिला स्टार्ट होगा तब बनाऊंगा मैं मजीद ब्लॉग। फिलहाल हम ये बोर्डिंग पे बैठे हैं, यहीं से जहाज़ आना है और यहीं से हमें भी चढ़ना है। बस जहाज़ का टाइम हो गया है, अब जाएगा आपका भाई जहाज़ में। फाइनली जर्नी स्टार्ट, आई एम इन द प्लेन एंड फर्दर मोर जो है ना अभी समझ नहीं आ रहा क्या रिस्पॉन्स करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो जो शारजा में उतरने के बाद बनाऊंगा और इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग्स अगेन, थैंक यू सो मच। अभी हम चल रहे हैं आगे शारजा में, कंटिन्यू करेंगे इसको। ये जो पहला सेटअप है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ों में निकलता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कैमरा अलाउ है कहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए तभी मैं चीज़ों को देख रहा हूँ करता हूँ इंशाल्लाह। टाइम टू टेक ऑफ द फ्लाइट। और जिसने कहा था ना कि बहुत डर लगता है, लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, पेट में हल्की सी गुदगुदियाँ मच रही हैं बस, बाकी कुछ नहीं हो रहा, ईजी है, कुछ इतना मसला नहीं है। इतना डरा देते हैं कि फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं है, ईजी है। अभी आगे जाके पता चलेगा कि सही है कि फिलहाल जिस वक्त लग रहा है ऑफ रोड कर रहा है जहाज और हिलजुल है उसमें बहुत ज़्यादा। अब स्टार्ट टू टेक ऑफ और लैंड के टाइम पर अच्छा मैं बैठा हूँ विंडो से थोड़ा सा दूर, तो विंडो की वीडियो में बना नहीं रहा, देखेंगे आगे कटिंग बना के। आप इधर देखिएगा भाई, शारजा एयरपोर्ट डिपार्चर हो गए। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से 7 बज रहे हैं लेकिन इनके हिसाब से 6 बज रहे होंगे। बाकी एयर अभी की फ्लाइट ने तो कर दिया है, ट्रैफिक और क्राउड बहुत ज़्यादा है। अब जब थोड़ा सा आगे जाऊंगा अभी बस से क्रॉस कर लें, बाकी का सफ़र जो है सुकून से बैठ के ब्लॉग बनाऊंगा। रास्ते में ना डिटेल नहीं बता सकता अच्छी से, तो ये सुकून से बैठ के बनाऊंगा। बस आपको पीछे के कुछ मनाजर दिखाता हूँ चलते चलते। तो शारजा में एक नई सरजमीन के ऊपर पहला कदम आपके भाई का, तो
अच्छा रहा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। फर्दर मोर जो है डिटेल्स मैं देता रहूँगा स्लो। कोई ऐसी चीज़ है नहीं कोई दिखाने के लिए, सब कुछ नॉर्मल ही है, कुछ नया नहीं है जो मैं दिखाऊँ, मतलब लाइक यू नो शाइनिंग। तो भी थोड़ा दिखा दो। ये रनवे है शारजाह एयरपोर्ट का। रात हो चुकी है, इसकी ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक जहाज़ वो खड़ा हुआ है, एक नया मुदर फिर है, एक वो जा रहा है। नेक्स्ट कनेक्टिंग टू कतर है, लेकिन हम जाएंगे शारजाह ही। तो अभी देखते हैं, शारजाह का स्टार्टअप हो चुका है और मैंने दोस्त से कहा है कि मैं खुद आऊँगा कैब में, तो उसने कहा ठीक है चलो फिर एक्सपीरियंस कर लो अपना भाई, नया कोई इशू नहीं है। तो अभी स्टार्ट हो गया है शारजाह, तो थोड़ा सा रस्ते रस्ते दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें जो हैं उसके घर पहुँचने के बाद फिर चीज़ें मज़ीद दिखाऊँगा। तो ही इज़ वेटिंग, अभी देखते हैं रास्ता दिखाओ। फाइनली भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। फाइनली मैं शारजाह पहुंच चुका हूं और इस वक्त मैं अपने रूम में हूं। तो ये एक बेड स्पेस जो है वो मैंने अभी फ़िलहाल अरेंज किया है हमारे दोस्त ने। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है और इसमें हमने स्टे किया अभी। तो अब सीन ये है कि ये स्टोरीज तो चलती रहेंगी। शारजाह एयरपोर्ट से मैंने ईज़िली कैब किया, कैब करके इस लोकेशन पर पहुँचा और पहुँचने के बाद जो है वो प्लान मैंने ये किया कि बस आज के दिन तो आराम करेंगे, रेस्ट वेस्ट करने के बाद कल देखेंगे, कल आपको शारजाह घुमाने निकलेंगे और देखेंगे कि शारजाह में क्या क्या है, कैसा है, किस तरह से। और एक इसके बाद वाली वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्या प्रोसेस थे, क्या चीज़ें थी और किस तरह से इजीली आया जा सकता है और किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है। और मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव की हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है कि लाइक अगर जॉब वीज़ा पर आ रहे हो तो उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और अगर दूसरे वीज़ा पर हो, विजिट वीज़ा पर, तो सारी पॉलिसीज चेंज है, डिफरेंट है। तो मैं सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बताऊंगा आपको कि जॉब वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो तो क्या चीज़ें चाहिए, और फिर बात करेंगे अपने टूरिस्ट भाइयों के लिए क्योंकि मैं भी टूरिस्ट हूँ। तो अब इस टूरिस्ट वीज़े के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले अपना सारा एपिसोड्स वगैरह ख़त्म करूँ, उसके बाद एक व्लॉग इसके ऊपर बनाऊँ। तो आज का व्लॉग मैं इख्तिताम करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं, मैं शारजाह का फ़र्स्ट मील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेरा फ़र्स्ट मील जो है वो आ गया है और मैंने ये आई थिंक ये आई डोंट नो क्या है। तो बहरहाल शारजाह का ये फ़र्स्ट मील आ गया है, तो मील देखते हैं कि मील में क्या है और फिर उसके बाद मील को एंड करेंगे और इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे अपना, मेगा मॉल है करीब में, कुछ एकदम मॉल विज़िट करेंगे और देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या दिखा सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी और शारजाह घूमने के लिए रेडी हो जाओ मेरे साथ और देखते रहो और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, सॉरी। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नो मील, पहले मील फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़।